इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चल रहा है, चौथा टेस्ट मैच और आज चौथा दिन है। लेकिन आज एक बार फिर से जडेजा के आउट होने के बाद अय्यर बैटिंग करने के लिए नहीं आए और तभी से सबको अंदेशा हो गया कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी करने के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन आपको बता दें कि बैक पेन, यही इंजरी जो कि श्रेयस अय्यर को बार बार परेशान कर रही है और उसी की वजह से एक बार फिर से बैटिंग करने के लिए अय्यर नहीं आए हैं। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि मेडिकल टीम बीसीसीआई की, उन्होंने कहा है कि भाई स्कैन कराने के लिए श्रेयस शेयर गए हैं, बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनको मॉनिटर कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ में जब एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच की शुरुआत होनी थी और पहला मुकाबला हैदराबाद में खेला जाना था, उस समय श्रेयस अय्यर टीम में थे, लेकिन अचानक ही मैच से पहले उनको बैक में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, उसके बाद वो एनसीए जाते हैं, वहां पर लगभग एक महीने रहते हैं और नागपुर में जब पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां पर वो नहीं अवेलेबल होते हैं, लेकिन दिल्ली में आकर के वो टेस्ट मैच खेलते हैं। तो ऐसी क्या फिटनेस हासिल कर रहे हैं हमारे टीम के प्लेयर जो कि 2 से 3 मैच सस्टेन नहीं कर पा रहे, ये क्वेश्चनेबल है। मैं सवाल करना चाहूंगा कि ये कैसी फिटनेस हमारे प्लेयर्स की है और फिर वो क्या रिकवर करके एनसीए से आए कि अभी उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ही इज कंप्लीटली फिट और आखिर में आकर के 2 टेस्ट मैचेस जो कि दोनों टेस्ट मैचेस जो ये श्रेयस अय्यर खेले हैं वो दिल्ली टेस्ट मैच में 3 दिन में खत्म हो गया। 2.5 दिन का टेस्ट मैच दिल्ली में था, 2.5 दिन का टेस्ट मैच आपका इंदौर में था, यहां पर श्रेयस अय्यर को 2 दिन फील्डिंग करने का मौका मिला और अचानक ही फिर से बैक में उनको पेन आया है और अब कहा गया है कि भाई स्कैन कराने के लिए भेजा गया, मेडिकल टीम मॉनिटर कर रही है और इसीलिए वो बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आ रहे। तो ये बड़ा एक सवाल है कि चलिए ठीक है श्रेयस अय्यर के साथ में जो है सो है, लेकिन ये किस तरीके की फिटनेस हमारे खिलाड़ी मेंटेन कर रहे हैं और इतनी जल्दी फिर फिट भी हो जाते हैं, खेलने के लिए आ भी जाते हैं और अचानक ही फिर 15 दिन के बाद में ये अनफिट हो जाते हैं। ये खबर हमने पहले भी देखी थी, जसप्रीत बुमराह के केस में हुआ था, पहले फिट करार दे दी गई, फिर अनफिट हो गए, फिर फिट हो गए, फिर अब 6 महीने के लिए बाहर हो गए, न्यूजीलैंड में उनको बैक सर्जरी के लिए भेजा गया। श्रेयस अय्यर के एपिसोड में भी लगभग वही कहानी नजर आ रही है कि अब तक मतलब ठीक था, अचानक ही बैक पेन हुआ तो ओडीआई क्रिकेट से बाहर हो गए, उसके बाद टेस्ट मैचेस में वापसी आई, 2 टेस्ट मैचेस खेले, फिर से बैक पेन हो गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि किस तरीके की फिटनेस हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कैरी कर रहे हैं और क्या वाकई में एनसीए में फिटनेस को लेकर के ढंग से काम किया जा रहा है, क्या इंजरी को लेकर के ढंग से काम किया जा रहा है, बड़ा सवाल है। लेकिन आप बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको हम यहां पर शेयर करेंगे।